got sticks for real. We looking out for the opposition, we don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. हाय गाइस, मैं थराद में जो रुका वो मेरा कमरा जहाँ पर मैं आराम से पूरी नाइट बिताई, बहुत अच्छा आराम हुआ। अभी फिलहाल ही मैं यहाँ से निकल रहा हूँ पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाने के लिए। यहाँ के लोग बोल रहे हैं वहाँ आप जा सकते हैं, यहाँ से 82 किलोमीटर दूरी के ऊपर हैं, तो फिर हम वहाँ चलेंगे। इस कुलदेवी एंड चामुंडा होटल में हम खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। फिलहाल यहाँ से मैं निकल रहा हूँ राजनपुर की ओर। यहाँ थरद तक पहुँची हुई ये कैनल है, ये आगे राजस्थान तक जाती है। क्या बात है, बढ़िया है। मैं थरद से 20-21 किलोमीटर दूरी पर मेरा गांव में आया हुआ हूँ। यहाँ के आसपास के खेत वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। इधर ये इधर का एरिया पूरा हरियाला है, हर जगह खेती बाड़ी अच्छी हो रही है। देखो यहाँ पर भी फसल है, यहाँ पर भी दूर दूर तक फसल दिखाई दे रही है। पक्के रास्ते हैं गांव में अंदर जाने के लिए और नीम के बड़े बड़े पेड़ हैं। इस तरह यहाँ का यहाँ बाबर सिर्फ 8 किलोमीटर दूरी पर आया हुआ है। मैं अभी राधनपुर में पहुंचा हूं, थरद से करीबन 100 किलोमीटर। हाँ, इतना किलोमीटर से यहां तक पहुंच गया हूं। तो अभी मुझे यहां से आगे जाना है, तो भाई श्री को मैं पूछ रहा हूं कि भाई यहां से कच्छ जाने के लिए मुझे ठहरना है, तो करीबन मैं इतना किलोमीटर चला के आया हूं, तो कहीं ना कहीं तो ठहरना पड़ेगा। तो भाई आगे ठहरने के लिए कौन सी जगह अच्छी है? शाम की यारी है और अंजार भी है। अच्छा, ओके। अगर पाकिस्तान के बॉर्डर इधर लगती है तो वहाँ जाने के लिए सुई गाम। अच्छा। अपने यहाँ से लगभग 50-60 किलोमीटर होता है। अच्छा, पाकिस्तान के बॉर्डर और नड़ा बेड़ा आता है। तो वो कहाँ से जाना पड़ेगा? वो तुम यहाँ से बाबर होके भी जा सकते हो। अच्छा, बराबर हाईवे बाबर होके जा सकते हो। हाँ, वहाँ से लगभग सुई गाम आएगा, सुई गाम से नजीक ही है। अच्छा, ठीक है, ऐसी ही रोड है। अच्छा, ये सीधा रोड है। सीधा ही रोड है। आज मैं जाने वाला था लेकिन आज बंद है। सोमवार को बंद रहता है ऐसा बोला, सोमवार को बंद रहता है, इसलिए मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ कच्छ की ओर। तो यहाँ के देखने वाला कौन सा स्थल अच्छा आप बता रहे थे? ये पूरे राधनपुर का तालाब है, नवाबी तालाब, जूना जानी था, बहुत पुराना है, उसके अंदर ब्रिज बने लाए। जी जी, बराबर, वो देखने के लायक है। ओके, धन्यवाद। महल है थोड़ा। अच्छा, देखना हो तो इसको बाजार में थोड़ा आगे जाएंगे, महल है पूरा, अच्छा है। ओके, ठीक है। आप सब लोगों को मिलकर बहुत अच्छा लगा। ओके, धन्यवाद। ये कंडला जाने वाला हाईवे है, यहाँ से 200 किलोमीटर दूरी पर कंडला आया हुआ है। आसपास पूरे खेत हैं, बेहतर
गाइस ये टोल नाका है, ये टोल नाका यहाँ पर नज़दीकी में है। जगह है वराही, मैं ये संतरमपुरा स्कूल के पास आया हूँ, स्कूल के सामने हूँ। यहाँ पर ये लड़के जो हैं आए हुए हैं, ये लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। आप कौन सा क्लास में पढ़ रहे हो? टेंथ में पढ़ रहे हो। हाँ। कैसी पढ़ाई चल रही है? बहुत अच्छी। फिलहाल लॉकडाउन नहीं है? नहीं, एक से नाइन में है। वन थी नाइन, एक से नाइन में लॉकडाउन है। अच्छा, तो आप लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं? तो क्या अभी रिसेस का समय है क्या? ओके, ठीक है जी। दोपहर का समय है। अच्छा, आपके यहाँ स्टाफ कितने हैं? छः हैं। ओके, ठीक है। कौन सी जगह है? सातलपुर में आया हूँ। यहाँ 600 रुपये का पेट्रोल मैं डलवा रहा हूँ। यहाँ से कितना किलोमीटर चलते हैं वो अब हम देखते हैं। चलो भाई, यहाँ से पेट्रोल डाला जा रहा है। ये कौन सा पंप है? हर शक्ति पेट्रोल। हाँ जी, थैंक यू। ₹600 का आया 6.23। थैंक यू। आपसे मेरे को अच्छा लगा, आपने मुझे अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, ताकि मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ जाने की जगह कौन सी है, क्या है, कैसा है। जगह बहुत बढ़िया है। और आप जो यहाँ पर जो चेकिंग वगैरह कर रहे हैं ना, वो जानकर मुझे और भी अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ गैर कानून कुछ होना नहीं चाहिए। इसमें क्या, बहुत बाइक ऐसे हम छोड़ देते, चलो प्रवास वाले हैं। हाँ, लेकिन क्या पता इसमें क्या है। जी, सही बात है। और ये यहाँ पर चेकिंग हो रहा है सांतलपुर पुलिस स्टेशन जिला पाटन, तो वो मुझे जानकारी मिलकर बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे ये चेकिंग वगैरह के बारे में अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। धन्यवाद सर। ओके गाइस, मैं हाईवे नंबर 27 से अभी जा रहा हूँ आडे सर। आडे सर यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर हैं, तो वहाँ मैं पहुँच रहा हूँ। ये सर्विस रोड है, इस सर्विस रोड से जाना पड़ रहा है। थरत से मैं निकला था, यहाँ से 150 किलोमीटर दूरी पर आडेसर आया हुआ है। यहाँ का माहौल थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, कूल है। जो है राइट साइड वही जाने का रास्ता होगा। आगे सर पुलिस स्टेशन भी यहाँ पर है मौजूद।
बाहर जाने के बाद जब हम राइट साइड पर चलेंगे तो आगे सर गाँव आता है। ओ भाई आधे सर जाने का, आधे सर, आधे सर जाना, आधे सर, आधे सर, आधे सर, यही हाँ गांव में जाना है। हाँ गांव में जाने के। अच्छा शहर है या गांव है? शहर है या गांव है? गांव में, गांव, गांव है। गांव में रहने के लिए जगह है क्या? है रहने के लिए? अंदर आ जाए, अंदर चले जाए। ओके ठीक। देखो भाई यहाँ से रापर 36 किलोमीटर है। आडे सर, ये आडे सर का जो गांव बोल रहे हैं तो उधर हम जा रहे हैं। चलो भाई यहाँ रेलवे फाटक भी है आडे सर गांव में। का इलाका है, मुझे लगता है ये शहर है लेकिन ये छोटा सा गांव है। यहाँ दूध मंडली वगैरह है। ये सारा इलाका यहाँ का ही है जो हमें दिखाई दे रहा है। ये छोटा सा बाजार वगैरह लगा पड़ा है, सब्जी मार्केट लग रहा है। आस पास का एरिया है। थोड़ा आगे जाके देखते हैं क्या है यहाँ पर। बस सामने तो हाईवे आ जाता है। यहाँ तक का ही एरिया है। इतनी सारी गायें हैं आडे सर गांव में घूम रही हैं। वैसे घूम नहीं रही लेकिन ये जो यहाँ का लेपर्स हैं उसका इस अच्छी तरह देखभाल कर रहे हैं। ये हैं जलाराम एग्रो प्रोडक्ट्स मार्केट यार, श्री जलाराम मार्केट यार आडे सर। यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ रापर, तो यहाँ से करीबन 36 किलोमीटर पर है, फिर मैं चलता हूँ आगे। ये रापर जाने का रास्ता है। मैं आडेसर से रापर की ओर जा रहा हूँ। ये काफ़ी ऊंचाई वाला रास्ता लग रहा है। भैया कौन सा गांव है? मैं रापर जाने का, लेकिन ये मैं पूछ रहा हूँ कौन सा गांव चल रहा है। ओके ठीक है, ये अच्छा गांव है, अच्छा लगा। मैं आया बाबू लिखा। भाई यहाँ से हम 11 किलोमीटर दूरी पर रापर पहुँचने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा कस्बा लगता है।
उस गांव में हम पहुंचे हुए हैं। यहाँ गैरेज वगैरह भी हैं और छोटी छोटी दुकानें भी यहाँ लगी हुई हैं। यहाँ लोग यातायात के लिए कहीं किसी न किसी वाहन का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं। इधर छोटे छोटे दुकान अवश्य लगे हुए हैं। लगता है ये यहाँ पर मंदिर है। और यहाँ छोटा सा तालाब भी है, क्या आप तालाब देख सकते हैं। चलो सूर्य अस्त होने वाला जा रहा है। ये बड़े बड़े गाय यहाँ से आ रही हैं। हम सूर्यास्त को देख पाए। हेलो गाइस, अरे मैं रापर सिटी में पहुंच गया हूं। तो जाते जाते एक भाई जी भी मिला, वो मुझे अच्छी तरह गेस्ट हाउस वगैरह बता रहा है, तो हम उसके साथ चल रहे हैं। चलो दिखाओ। हाँ वही तो मैं आपको इसके बारे में पूछ रहा हूँ। चलो भाई अच्छा होगा, कोई ना कोई तो मिल जाता है। हमारा अच्छा नेचर सब जगह काम लगता है। भाई लगता था कैसा होगा, लेकिन बहुत अच्छी जगह पर हम आ गए हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है।
फिर हम रापर में पहुंच ही गए। यस, यहाँ से दुकानें दुकान वगैरह शुरू हो जाते हैं। पाउंड पाउंड ज़्यादा है लेकिन फिर भी कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ छोटा छोटा कस्बा, इतना बम बड़ा नहीं है, छोटा सा है, इसलिए थोड़ा आराम से हम निकल जाते हैं। जी सामने ही आ गया जलियान आइसक्रीम। ठंड का मौसम है, चलो बाजार में आ गए। वो तो पता नहीं था इतना बड़ा बाजार है, अच्छा बाजार लगा पड़ा है। हम तो सिटी में घूम रहे हैं अभी। चलो भाई हम पहुंच गए। हेलो गाइस, हम श्री मोमाई माता जी के मंदिर में आए हुए हैं। मैं अकेला नहीं हूँ, यहाँ इस सोसाइटी के बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं। तो बिना आवाज से शांति से चलिए। जय माता जी। क्या तो एक एक करके जाइए, आवाज नहीं करना है, आवाज बिल्कुल नहीं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। चलो हम माता जी के मंदिर में पहुंच गए हैं। आवाज नहीं करना, जरा भी आवाज नहीं है, एकदम चुपचाप। चलो माता जी के मंदिर में हम जाते हैं। उन सारे बच्चों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। जय मोमाई माता। आवाज नहीं, इससे बाहर जो चाह करिए। बस 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 अभी नहीं। ओम नमः शिवाय, जय माता। Thank you.
नमस्कार, यहाँ मोमई माता के मंदिर में हम आए हुए हैं जहाँ पर हमें दर्शन हुआ। श्री आपका नाम? जवेरगिरी। जवेरगिरी का दर्शन होके हमें बहुत अच्छा लगा और ये मंदिर भी बहुत अच्छा बनाए हैं और बच्चे सब साथ में आए, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, और मुझे बताया भाई श्री ने कि भाई चलो हमारे साथ, तो फिर मैं भी आ गया बिना सोचे। इस तरह हमें मिले, बहुत अच्छा लगा आप लोगों को मिलके। हेलो गाइस, जिस घर में आज मैं आया हुआ हूँ वो घर है, पापा का नाम क्या है? रुपेश भाई परमार हैं जिसके घर में हम आए हुए हैं। तो फिलहाल बच्चे मेरे साथ इतने मिलजुल गए हैं जो हमारे सामने हैं, जो बहुत खुश हैं। आज तो वैसे कोरोना की वजह से छुट्टी का दिन होने के नाते आज 1 से 9 क्लास के स्टूडेंट घर पर ही हैं, लेकिन फिलहाल मुझे मिले और उन लोगों को मैंने प्रॉमिस करवाया कि आपको अगर बेहतरीन गाड़ी या बेहतरीन जिंदगी जीना है तो पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तैयार हो ना? हाँ। आज आपने हाँ कहा है, मैं 20 साल के बाद पूछूंगा, अगर आप नहीं पढ़े तो मैं आपसे पंगा लूंगा, मैं बोल दिया हूँ। फिर मेरे बाजू में रुपेश भाई भी बैठे हैं। रुपेश भाई ने मुझे बहुत अच्छी तरह इन्फॉर्मेशन दिया और मुझे ज़बरदस्ती अपने घर पर लेके आए, तो फिलहाल मैं उसी के घर में बैठा हुआ हूँ। तो उसका घर बहुत अच्छा है, साफ सुथरा है और चारों ओर सब कुछ फोटो वगैरह लगाए हैं भगवान जी का, अपना फैमिली का वगैरह। ये बहुत अच्छा एंट्री गेट वगैरह हैं। 7:30 बज चुके हैं। चलो बहुत अच्छा।